थी तो मैंने इतना कहा था कि देखिए हम किसी भी स्वभाव से ये पता करते हैं कि ये किसके वंशज होंगे। जैसे वैश्य जाति का हम ये मानते हैं कि वो अग्रसेन के वंशज हैं, क्योंकि अग्रसेन महाराज स्वयं व्यापार करते थे। इसलिए जाट का स्वभाव होता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या ना हो, वो उसमें जरूर कूद पड़ता है। तो अब ऐसे ही हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता जी, सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए, तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है। इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे।